हूँ संदीप कुमार और आप देख रहे हैं संदीप कुमार फिटनेस। दोस्तों बहुत से लोगों मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा फैट कम नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत से लोगों की डाइट भी बैलेंस होती है, एक्सरसाइज भी ठीक करते हैं, बट फिर भी उनका अगर फैट कम नहीं हो पा रहा तो उसका रीज़न क्या है। इस वीडियो में मैं आपको 6-7 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपका जो फैट है वो कम हो जाएगा, और जो आपकी डाइट में और एक्सरसाइज में जो कमियाँ हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, इसका फायदा आपको ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। दोस्तों बहुत से लोग डाइट भी बैलेंस करके चलते हैं और एक्सरसाइज भी ठीक करते हैं, पर फिर भी उनका अगर फैट कम नहीं हो पा रहा तो उसका रीज़न क्या होता है। सबसे बड़ा उसका रीज़न होता है दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग काफ़ी दिनों से डाइटिंग फॉलो करते हैं, खासकर फीमेल डाइटिंग पर होती है, बहुत दिनों से उन्होंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया हुआ होता है। इसका नतीजा ये होता है दोस्तों कि जो उनका मेटाबॉलिज्म की जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाती है और जो फैट की बर्निंग की जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से उनका फैट कम नहीं हो पाता है। तो उन लोगों को दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने काफ़ी टाइम हो गया डाइटिंग करते हुए, वो अपने डाइटिंग को ब्रेक करें और 2-3 हफ्ते का, कम से कम 2-3 हफ्ते का उसमें गैप दें अपने जो डाइटिंग का शेड्यूल है, और 2-3 हफ्ते आपने कैलरीज के बारे में नहीं सोचना है, जो आपको खाने का मन करे एक बार खाना है। क्योंकि जब आपका शरीर काफ़ी लंबे टाइम से डाइटिंग पे होता है तो जो आपकी मेटाबॉलिज्म की जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाती है, जिससे आपकी कैलरीज बर्न होने की जो प्रोग्रेस है वो भी स्लो हो जाती है। तो इसलिए आपकी जो डाइटिंग का शेड्यूल है उसको 2-3 हफ्ते के लिए बंद कर दें और आपका जो मन है खाने का वो खाए, कैलरीज की बिल्कुल परवाह ना करें, और 2-3 हफ्ते का गैप लेने के बाद दोबारा से आपका जो डाइटिंग का शेड्यूल है वो शुरू करें। सबसे बड़ी कमी होती है दोस्तों ये कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप शरीर को डाइटिंग पर चल रहे हैं, आपकी डाइट बहुत आपने कंट्रोल की हुई है, तो ये बहुत गलत होता है, बीच में आपको गैप देना बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी कमी होती है दोस्तों कि जो भी डाइट आप ले रहे हो आपको उसके बारे में पता नहीं होता कि आप डाइट क्या ले रहे हैं। बहुत से लोग करते क्या है कि जैसे वैसे पूरा दिन उन्होंने अपनी डाइट को बैलेंस किया हुआ होता है, बट शाम को जैसे कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ खा लेंगे, उनको ये नहीं पता होता है कि कुछ खा रहे हैं उसके अंदर कार्ब कितना है, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, या कुछ और जो भी उनकी न्यूट्रिशन फैक्ट होते हैं उनके बारे में पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो साइज गेन करने के चक्कर में पीनट बटर को यूज कर लेते हैं, बट आप ये भूल जाते हैं दोस्तों कि अगर आप 1 टेबल स्पून पीनट बटर ले रहे हो तो आपको उसमें से 80 से 100 कैलरीज आपको उससे मिलती है, जो आपके अगर आप पर डे अगर 500 से 600 कैलरीज बर्न कर रहे हो और आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून से ही आपको 80 से 100 कैलरीज अगर आपको मिल रही है तो आपका वो सारी मेहनत बेकार होती चली जाती है। तो जो भी डाइट आप ले रहे हो उसके बारे में कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस डाइट के अंदर फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, मतलब कम से कम जो आप खा रहे हो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी गलती होती है दोस्तों, एक ऐसी कॉमन सी धारणा ऐसी बन चुकी है, माइंड सेट ऐसा हो चुका है हमारा कि जब आप जिम में जाते हो जिन्हें फैट कम करना है या वेट लॉस करना है सबसे पहले वो ट्रेडमिल पे जाते हैं और सिर्फ ट्रेडमिल पे ही एक्सरसाइज करते हो, कुछ नहीं करते। ट्रेडमिल करते हैं, आधा घंटा कर लेंगे, 1.5 घंटा कर लेंगे, लगे रहेंगे, मतलब सिर्फ ट्रेडमिल करेंगे उसके बाद और कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ट्रेडमिल अच्छी एक्सरसाइज है, वेट कम करने के लिए ठीक है, फैट कम करने के लिए ठीक है, बट वो सिर्फ ओवरऑल बॉडी के फैट को सिर्फ कार्डियो नहीं कम कर सकती। आपको सारी एक्सरसाइज करनी होगी, आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी होगी और भी बैक टू बैक आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। तो जो आपका ये शेड्यूल है कि आपको सिर्फ कार्डियो करनी है तो इसको चेंज करें और आपके शेड्यूल में हर एक्सरसाइज को बैक टू बैक ऐड करें दोस्तों। चौथी जो सबसे बड़ी कमी होती है दोस्तों वो होती है, आपने 6 दिन हफ्ते में 6 दिन आपने एक्सरसाइज कर ली, 7वां दिन जो आपका संडे का जो रेस्ट टाइम होता है उस दिन लोग बिल्कुल बेपरवाह हो गए, कुछ भी खाते हैं या जो आपका डाइट का शेड्यूल है उसको बिल्कुल ही भूल जाते हैं उस दिन। एक तरह से उसको ये भूल जाते हैं कि आपने जो रेस्ट का जो दिन है उसमें आपने जो आपका डाइट का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल आपका उसी तरह से चलेगा जो आपका वर्किंग डे में चलता है। सबसे बड़ी कमी होती है दोस्तों की रेस्ट दिन, जिस दिन संडे होता है वो कोई परवाह नहीं करते, उनको फैट की क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मतलब कोई भी डाइट उनको मिल जाए वो खा लेते हैं, ये सबसे बड़ी कमी होती है उनकी। तो जो लोग रेस्ट वाले दिन ऐसी कोई डाइट का उनका शेड्यूल जो चेंज कर लेते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना फैट कम करना चाहते हो तो रेस्ट डे पर भी आपको कोशिश ये करनी है कि थोड़ा बहुत ही आपकी डाइट में चेंजमेंट हो। मैं ये बोलता हूँ अगर आपकी 100% जो शेड्यूल है आपका उसमें से 10% इधर से उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको 90% डाइट आपकी वैसी ही रखनी है जो आप वर्किंग डे में रखते हो। सबसे बड़ी कमी होती है रेस्ट डे वाले दिन, तो इस पर खास ध्यान देना दोस्तों कि रेस्ट डे जो आपका होता है उस दिन भी आपकी डाइट वैसे ही चलेगी जैसे आपकी वर्किंग डे वाले दिन चलती है। 5वीं गलती होती है दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग जिम में जाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं, बट जब घर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करते हैं।
जाके मतलब जिम से आने के बाद सीधा बेड पे पड़ गए या फिर लेट गए या सो गए, मतलब सिर्फ रेस्ट पे ही करते हैं, उसका नतीजा क्या होता है दोस्तों? आप जिम में कितना हार्ड वर्क कर लोगे, जिम में आप कितनी कैलोरी बर्न कर सकते हो? 400 या 500 मैक्सिमम होता है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो 400 से 500 कैलोरीज ही आप बर्न कर सकते हो, उससे ज्यादा आप बर्न नहीं करोगे। बट जो लोग जिम, मैं ये कहता हूँ जिम में हार्ड वर्क करो, बट इतना हार्ड वर्क आपको करना है कि आप जिम से जाने के बाद घर के जो रूटीन के काम है वो भी करने हैं आपको। क्योंकि अगर आप जिम में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम में 300 से 400 कैलोरीज बर्न कर रहे हो और घर पे जाके कोई भी काम करते हो उसमें आप 300 से 400 कैलोरीज आराम से बर्न कर सकते हो। 300 आपने जिम में बर्न की और 400 आपने घर पे बर्न की, कोई भी काम किया, रूटीन के जो भी आपके वर्क होते हैं, तो आपको 700 कैलोरीज आप पर डे बर्न कर सकते हो। बट अगर आप जिम में हार्ड से हार्ड वर्क भी करते हो, जितनी आप वर्कआउट कर लो, आप 500 कैलोरी या 550 कैलोरी से ज़्यादा बर्न नहीं कर सकते। सो ये बहुत बड़ी कमी होती है और इसकी की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता दोस्तों। सिर्फ जिम में हार्ड वर्क करने से, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं, आपकी जिम में एनर्जी बचती ही नहीं है, जिसकी वजह से आप घर पर जाके कोई वर्क वर्क कर ही नहीं सकते हो, जिस और आप पूरा दिन रेस्ट में रहते हो, तो आपकी पर डे की जो कैलोरीज बर्न की जो एवरेज होती है वो 500 से 550 ही होती है। बट अगर आप जिम में हार्ड वर्क करते हो और अपनी एनर्जी बनाए रखते हो, साथ में आप घर पे आके फिर रूटीन के जो वर्क है वो करते हो, तो आप पर डे 700 से 750 कैलोरीज बर्न कर सकते हो। तो इस तरफ आपको खास ध्यान देने की जरूरत है कि आपको सिर्फ जिम में ही वर्क नहीं करना है, बाहर आकर भी अपने शरीर को किसी ना किसी काम में लगा के रखना है, जिससे आपकी जो कैलरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्न हो और आपका जो फैट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस हो। उसके बाद आता है दोस्तों, जब आप जिम से आते हो पोस्ट वर्कआउट के रूप में आप क्या ले रहे हो, डाइट, जो आपकी पोस्ट वर्कआउट की जो डाइट हो क्या लेते हैं? बहुत से लोगों की आदत क्या होती है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं जिम में, जिम से आने के बाद एकदम से उनको एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी के लिए वो शेक वगैरह पीते हैं, और शेक में बहुत से लोगों की, मैंने देखा भी है, बहुत से लोगों की आदत होती है क्रीम बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह डाल लेते हैं, तो जो शुगर होती है उसमें वैसे कैलरी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपको प्रोटीन ही कंज्यूम करना है पोस्ट वर्कआउट डाइट के रूप में। ये बहुत बड़ी कमी होती है कि आप मीठा कुछ लेते हो पोस्ट वर्कआउट के रूप में या फिर कोई शेक वगैरह लेते हो, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप पोस्ट वर्कआउट डाइट लेते हो तो आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों, आपका जो शेड्यूल होता है, कोई भी शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो, आपके वेट कम करने के लिए कोई भी शेड्यूल आप जो फॉलो कर रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर शेड्यूल आपका पूरा जब तक मतलब चल रहे हो, ये नहीं है कि एक ही शेड्यूल आपका चलेगा, टाइम टू टाइम आपको अपने शेड्यूल को चेंज करते रहना है। आपकी एक्सरसाइज का जो शेड्यूल है वो भी चेंज होगा और जो आपके डाइट का शेड्यूल है वो भी चेंज होगा, क्योंकि जब आप लॉन्ग टाइम से कोई शेड्यूल फॉलो करते हो तो एक तरह से शरीर उसका आदि हो जाता है और जो आपकी प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाती है और वो नहीं हो पन पाती, जो आपको रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो आपको एक टाइम टू टाइम अपने शेड्यूल को चेंज करना है। कई बार आपने कार्ब ज़्यादा डाइट में कार्ब ज़्यादा ऐड करने हैं, जिससे आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा वो हो जाएगी और हार्मोन जो ज़्यादा रिलीज हो गए, ताकि आपकी जो बर्न फैट बर्न की जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा तेज हो जाएगी। कहीं पर आपने कम करना है, तो ये शेड्यूल ऐसा आपको मेंटेन करके चलने हैं कि टाइम टू टाइम आपको बदलना है। एक्सरसाइज का शेड्यूल भी आपने ऐसे ही ऐड करना है, ये नहीं कि आप डेली जो आपका शेड्यूल बना हुआ बस वही गए वो वही किया वही आगे, नहीं, टाइम टू टाइम आपको अपने जो एक्सरसाइज का जो शेड्यूल है उसको चेंज करना होता है। सिर्फ कार्डियो पे जाके कार्डियो ही नहीं करनी है कि भाई आपने कार्डियो करनी है बस आधा एक घंटा जो भी किया और वापस आ गए, नहीं, आपने अपने टाइम टू टाइम आपकी हर एक्सरसाइज करनी है और कोशिश करनी है कि जिस भी पार्ट की आप एक्सरसाइज करो उसके रेपिटेशन ज़्यादा निकालने हैं और वेट कम रखना है जिससे। और दूसरा ये है कि आपका जो रेस्ट टाइम होता है, जो सेट आप लगा रहे हो किसी भी एक्सरसाइज का, जो रेस्ट टाइम है बहुत कम रखना है, जितना कम रख सको आप वो आपके ऊपर है, बट 40 से 45 सेकेंड अगर आप रखो तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें जो आपके मसल को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल पाता, जिससे आपका जो बर्निंग के फैट बर्निंग की जो प्रोग्रेस है वो तेज़ हो जाती है और आपका जो फैट है वो जल्दी रिड्यूस होता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी कमियां थी जिनको अगर आप फॉलो करते हो ढंग से, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपना फैट रिड्यूस कर सकते हो, अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।